12 अक्टूबर को शिवसेना प्रदेश कार्य समिति की ताज नगरी में पहली बार बैठक आयोजित होने जा रही है। बैठक में प्रदेश के सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ साथ सभी जिला एवं महानगर इकाइयों के पदाधिकारी भी शिरकत करेंगे। 12 अक्टूबर को शिवसेना प्रदेश कार्य समिति की ताज नगरी में पहली बार बैठक आयोजित होने जा रही है। बैठक में प्रदेश के सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ साथ सभी जिला एवं महानगर इकाइयों के पदाधिकारी भी शिरकत करेंगे। शिवसेना संगठन के प्रदेश महासचिव एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश प्रभारी धर्मेंद्र तोमर ने आगरा में मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए इस कार्यक्रम की रणनीति पर विस्तार से जानकारी दी। 12 तारीख को आगरा में प्रदेश की कार्यकारिणी बैठक का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हमारे प्रदेश प्रमुख ठाकुर अनिल सिंह जी व भवानी सेना की प्रदेश अध्यक्ष जो हैं, इसमें 400 से 500 लोगों शामिल होने की संभावना है। जिसमें प्रदेश की तैयारियां पूरे इस आयोजन को लेकर, जबकि शिवसेना का माना जाता है ये पहला कार्यक्रम होगा। तैयारियाँ बहुत जोरों शोरों से हैं और 12 तारीख को प्रोग्राम में आपको ये दिखने को भी मिलेगा। इसमें प्रदेश की पूरी टीम भी आ रही है, जय भवानी सेना भी आ रही है, महिला मोर्चा भी होगा। संजय प्लेस स्थित अवध बैंकट हॉल में 12 अक्टूबर को आयोजित इस बैठक में शिवसेना संगठन की प्रदेश कार्य समिति के सभी पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। इस कार्यक्रम में शिवसेना की वर्किंग कमेटी की बैठक आयोजित की जाएगी। या उनके पास राष्ट्रीय सचिव का पत्र है? ये आपका अंदरूनी मामला है, कहा जाए तो, लेकिन ये बताइए अभी तक इतना टाइम हो गया, आप हाँ। ये बने हुए अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं, क्या डीएम के पास? नहीं नहीं नहीं, लगातार केंद्र पे भी हमें आ रहा था और इसीलिए यहाँ कार्य समिति की बैठक रखी गई है। प्रदेश प्रमुख ने सीधा कहा है कि अगर वो दो दिन में अपने आप को नहीं सुधारते हैं तो सीधा सीधा उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हमने गृह सचिव प्रमुख सचिव को भी लिख कर दे रखा है, प्रशासन की कहीं ना कहीं ढील रही है कि उसने कार्रवाई नहीं की। हम इसके संदर्भ में भी SSP यहाँ के DM से वार्ता करेंगे, क्योंकि प्रमुख सचिव गृह को पहले ही लेटर लिखा जा चुका है हमारे प्रदेश प्रमुख द्वारा। जब पहले ही कार्रवाई कर दी गई तो क्यों लोकल का प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रहा है, उस पर चर्चा की जाएगी। 12 तारीख को आ रहे हैं वो। स्थानीय संगठन की युवा टीम ने इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। सी न्यूज़ के लिए अजय बहादुर की रिपोर्ट।